दोनों एक बार फिर मार्केट में दोबारा वापिस आ गए हैं। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे से फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन की तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण की कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुँचने पर वो ये देखकर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि हरि किशान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है।
एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसके खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरी किशान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरी किशान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरी किशान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्या प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भूलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्या प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्यप्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्यप्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन सत्यप्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता, क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्तू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्तू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के
एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांजता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को बचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकंड हाफ ज्यादा इमोशनल है, कहानी की स्पीड ऐसी है जैसी धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है, उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है, गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्विंसिंग लगे है, बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है, कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे है जो आपको एहसास दिलाते है कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन के तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण के कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुँचने पर वो ये देखकर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है, कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया।
अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि हरी किसान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसकी खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरी किसान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरी किसान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरी किसान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्या प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भूलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्या प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्यप्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी?
आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्यप्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन सत्यप्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्यू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्यू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्यू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांजता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को पचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है, ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकेंड हाफ ज्यादा इमोशनल है, कहानी की स्पीड ऐसी है जैसी धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्वेंसिंग लगे हैं। बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्यप्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाह गठबंधन के तलाश में है।
वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किसान से होती है, जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण की कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुंचने पर वो ये देखकर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि हरि किसान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसके खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरि किसान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरि किसान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरि किसान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है।
बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्या प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भुलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदल कर सत्य प्रेम की कथा किया गया, लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्य प्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन सत्य प्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्यू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्यू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्यू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांझता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को पचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकेंड हाफ ज्यादा इमोशनल है। कहानी की स्पीड ऐसी है जैसी धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए है। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्वेंसिंग लगे है। बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्य प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां
हो सकती है, पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन के तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण के कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुँचने पर वो ये देखकर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि हरि किशान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसके खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरि किशान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरि किशान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है।
ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरि किसान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्या प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भुलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्या प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्यप्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्यप्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन सत्यप्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता, क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्तू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्तू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांजता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को बचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है, ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकेंड हाफ ज्यादा इमोशनल है। कहानी की स्पीड ऐसी है जैसे धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है, उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का चेहरा आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने
उनके सारे पिछले पाप धो दिए हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं, जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्वेंसिंग लगे हैं। बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है, पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन के तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है, जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण के कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुँचने पर वो ये देख कर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि हरि किशान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसकी खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरि किशान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरि किशान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में
सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरिकिशान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्य प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भूलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्य प्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्य प्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन सत्य प्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता, क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्तू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्तू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांजता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को पचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है, ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है, पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकंड हाफ ज्यादा इमोशनल है। कहानी की स्पीड ऐसी है जैसे धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है,
उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्वेंसिंग लगे हैं। बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे है जो आपको एहसास दिलाते है कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है, पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन के तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण की कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुँचने पर वो ये देख कर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि हरि किशान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसके खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है।
कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरी किशान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरी किशान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरी किशान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्या प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भूलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्या प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्यप्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्यप्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन सत्यप्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता, क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्तू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्तू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांजता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर
नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को बचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकेंड हाफ ज्यादा इमोशनल है, कहानी की स्पीड ऐसी है जैसी धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्विंसिंग लगे हैं। बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन के तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण के कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुँचने पर वो ये देखकर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं।
सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि हरी किसान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसकी खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरी किसान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरी किसान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरी किसान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्या प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भूलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्या प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्यप्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्यप्रेम को
अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन सत्य प्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्तू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्तू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांजता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को पचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है, ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकेंड हाफ ज्यादा इमोशनल है, कहानी की स्पीड ऐसी है जैसी धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्वेंसिंग लगे हैं। बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन की तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है।
जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण की कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुंचने पर वो ये देखकर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरिकुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि हरिकुशान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसकी खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरिकुशान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरिकुशान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरिकुशान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो पर दिल तो जीत लेगी।
जाने कैसी है फिल्म सत्या प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भुलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदल कर सत्य प्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्य प्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। लेकिन सत्य प्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता, क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्यू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्यू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्यू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांझता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को पचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है, ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकेंड हाफ ज्यादा इमोशनल है। कहानी की स्पीड ऐसी है जैसी धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है, उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए है। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं, जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्वेंसिंग लगे है। बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्य प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे, वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है, पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू
नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन के तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है, जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण के कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुँचने पर वो ये देखकर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है, क्योंकि हरि किशान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसके खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरि किशान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरि किशान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरि किशान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है।
कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्या प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भुलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्य प्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्य प्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। लेकिन सत्य प्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता, क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्तू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्तू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांजता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को पचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है, ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकेंड हाफ ज्यादा इमोशनल है। कहानी की स्पीड ऐसी है जैसे धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है, उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का चेहरा आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं, जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है।
कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्वेंसिंग लगे हैं। बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्या प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है, पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन के तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण के कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुँचने पर वो ये देख कर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि हरि किशान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसकी खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरि किशान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरि किशान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।
एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरिकिशान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्य प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भूलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्य प्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्य प्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन सत्य प्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता, क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्तू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्तू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांजता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को पचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है, ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकंड हाफ ज्यादा इमोशनल है। कहानी की स्पीड ऐसी है जैसे धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है, उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि
निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्वेंसिंग लगे हैं। बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे है जो आपको एहसास दिलाते है कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है, पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन के तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण की कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुँचने पर वो ये देख कर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि हरि किशान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंतरंग होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसके खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है।
निराश होकर सत्तू अगले दिन हरी किशान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरी किशान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने आलंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरी किशान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्या प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भुलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्या प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्य प्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्य प्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन सत्यप्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता, क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है। कथा और सत्तू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्तू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांजता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को पचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की
डेफिनेशन तय है, ये सत्य वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकेंड हाफ ज्यादा इमोशनल है, कहानी की स्पीड ऐसी है जैसी धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्विंसिंग लगे है। बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे है जो आपको एहसास दिलाते है कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। सत्या प्रेम की कथा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। सत्या प्रेम सत्तू नारायण एक खुश मिजाज युवक है जो अहमदाबाद में अपने मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार के साथ रहता है। वो अपनी कानून की डिग्री में फेल हो गया है और एक खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना देखता है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया है। गरबा उत्सव में सत्तू कथा नाम की एक लड़की का नृत्य देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि ये जानकर उसका दिल टूट गया कि वो पहले से ही तपन नाम के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से संबंध तोड़ लिया है और उसके माता पिता एक उपयुक्त विवाहगत बंधन के तलाश में है। वो कथा का नृत्य फिर से देखने की उम्मीद में अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा उत्सव में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कथा के पिता हरि किशान से होती है जो एक अमीर व्यापारी है और उनकी माँ और छोटी बहन किंजल के साथ एक लोकप्रिय नाश्ते की दुकान है। उनसे उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण के कुछ समझाने के बाद वो उसे देखने उसके घर जाता है। पहुँचने पर वो ये देखकर चौंक गया कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो सत्तू पर गुस्सा होती है। जब कथा का परिवार अस्पताल पहुंचता है तो हरि कुशान उसे डांटते हुए कहता है कि उसे मर जाना चाहिए था। उस रात बाद में कथा ने एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन सत्तू कथा को फूल उपहार देने और ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि वो अच्छा कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के घर कथा के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सत्तू बहुत खुश हो जाता है और गठबंधन स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कथा नाखुश है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि हरि किशान शादी नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी देता है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है,
लेकिन उसे अंतरंगा होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो सत्तू के साथ एक ही बिस्तर साझा करने में असहज है और कहती है कि उसके खर्राटों से उसकी नींद में खलाल पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्तू को अलग सोना पड़ता है और वो अपनी खर्राटों की समस्या को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। एक रात सत्तू गुस्से में उस पर भड़क उठता है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में उसकी खर्राटों से असहज है या क्या कोई उसके साथ अंतरंग न होने का सिर्फ एक बहाना है। कथा स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही थी और उसे बताती है कि वो अलैंगिक है और उसे यौन संबंध बनाने या अंतरंग होने की इच्छा महसूस नहीं होती है, जिससे सत्तू हैरान रह जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरि किशान से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो शादी तोड़ देगा और तलाक ले लेगा। हरि किशान ने उसे सलाह दी कि वो उसे उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। सलाह के बाद सत्तू उसका स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती कि वो सत्तू के साथ क्यों नहीं सोना चाहती। सत्तू समझाता है, दोहराता है कि वो बिना किसी परवाह के उसके लिए वहाँ रहेगा। वो उसे फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एक रात कथा और सत्तू अनंत अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि अतीत के आघात के कारण कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। ये पता चला है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा के साथ बलात्कार किया था। वो गर्भवती हो गई थी और उसे गर्भपात कराना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने कथा से इनकार कर दिया था। इन सब के चलते कथा किसी के साथ इंटीमेट होने में सहज नहीं है। ये सब जानकर सत्तू क्रोधित हो जाता है और इस मामले को लेकर हरि किशान से भिड़ जाता है। फिर वो तपन के कार्यस्थल पर जाता है और इसकी बेरहमी से पिटाई करता है। सत्तू का परिवार भी सब कुछ जानने के बाद सदमे में है, लेकिन मामले को अपने बीच रखने का फैसला करता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब ये एक दूसरे के प्यार में है और भी गहरे डूबे हुए है। कथा अपने आघात के कारण अभी भी सत्तू के साथ घनिष्ठ होने में असमर्थ है। सत्तू समझाता है और उसे अपने अतीत से निपटने के लिए जगा देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा के पास कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है और उसे अपने लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई आशा और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू अनंत अपनी कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। कार्तिक कियारा की ये लव स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, पर दिल तो जीत लेगी। जाने कैसी है फिल्म सत्या प्रेम की कथा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भूलभुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्या प्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आए थे। भावनाएं आहत ना हो, इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्यप्रेम की कथा किया गया। लेकिन निदेशक समीर विदमवास की ये फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी? आइए आपको बताते हैं इस फिल्म का रिव्यू। गुजराती परिवार में रहने वाले सत्यप्रेम को अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन सत्यप्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता, क्योंकि कथा का पहला से ही बॉयफ्रेंड है। एक साल बाद सत्तू को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास पहुंचता है और कोशिश करता है।
कथा और सत्तू की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि कथा शादी के बाद भी सत्तू की नहीं हो पाती है, तो वो जानने के लिए आपको सिनेमाघर तक जाना होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे। लॉ के एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में झंडू लगाता है, बर्तन मांजता है और उसकी बहन टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हालांकि इस सब को पचाना पहले ही सीन में उतना आसान नहीं है, लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि अब आगे जाकर आप सत्तू की पर्सनालिटी, उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मर्दांगी की डेफिनेशन तय है, ये सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोसता है, कुछ जगह हंसी आती है पर आप ठहाका लगाए या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकेंड हाफ ज्यादा इमोशनल है, कहानी की स्पीड ऐसी है जैसी धीमी आंच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट करती रही है उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएगी तो स्पाइरल हो जाएगा, लेकिन इतना ही मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विदमवास ने एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसफी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो वही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसी प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी याद आई, और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म को भी ट्राई कर चुके हैं जो ऐसे ही बेहद गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी। वही कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है, उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है, गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्वेंसिंग लगे हैं, बाकी शिखा तलसनिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपता ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपनी इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर, शायद अपनी नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी।